विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बुधवार को सिकरा रथ यात्रा क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर कहा कि हमारा दावा केवल ज्ञानवापी के लिए नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के 5 कोस यानी करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र के लिए है। हम कोर्ट में बताएंगे कि इस 5 कोस क्षेत्र यानी पचकोसी में हमारे कौन से धार्मिक स्थल और देवी देवताओं के स्थान आते हैं। हमें यह 5 कोस का क्षेत्र इस्लाम मुक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के हिसाब से चलेंगे। उसमें साफ है कि 5 कोस का क्षेत्र सिर्फ हिंदुओं का है। कुछ लोगों को भ्रम है कि हम ज्ञानवापी के लिए लड़ रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई 5 कोस क्षेत्र को पूरी तरह से इस्लाम मुक्त करने की है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर हमारे संगठन की ओर से अब तक 7 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा मंगलवार को भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दाखिल किया गया है। मुकदमे की गंभीरता को समझते हुए बुधवार को कोर्ट ने उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जाने के बाद यह उम्मीद लगी है कि इसकी सुनवाई जल्द पूरी होगी। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर 9130 पूरा प्लॉट 9130 पूरा प्लॉट तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष को वहां जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। नंबर एक। नंबर दो, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दे दिया जाए। नंबर तीन, तत्काल प्रभाव से बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई जाए। ये तो वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सबके सामने हैं, लेकिन इस मुकदमे में अन्य भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसा कि हमने अन्य मुकदमों में भी दावा किया है, आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये दावा केवल ज्ञानवापी परिसर का नहीं है। ये काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में भी ये डिक्लेयर है कि ये 5 कोस अभिमुक्त क्षेत्र हिंदू रिलीजियस पैलेस है, यानी ये केवल हिंदुओं का है। तो हमने उसी के अनुसार ये दावा भी फाइल किया है। कुछ लोगों को भ्रम है केवल ज्ञानवापी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाई, मुझे पूरा 5 कोस इस्लाम मुक्त चाहिए।